आन्या फेडोरोवा नामक एक एपिडेमियोलॉजिस्ट अपने कलीग डॉक्टर जोटाफ पर एक वैक्सीन ट्राई करती है। वैक्सीन बिना एनिमल टेस्टिंग के सीधे ह्यूमन पर ट्राई कर दी जाती है, जिसके कारण डॉक्टर जोटाफ की मृत्यु हो जाती है। इससे आन्या बहुत दुखी होती है और खुद को अपने कलीग की डेथ का जिम्मेदार मानती है। अगले सीन में आन्या को परिवार और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके पास कर्नल का फोन आता है और वो उसे जल्द ही कोलाबोर होल के लिए निकलने के लिए कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि धरती के नीचे कुछ अननोन आवाजें सुनी गई हैं, जिसके बाद 20 लोग लापता हो गए हैं। पब्लिक बोर होल को केवल एक होल मानती है, लेकिन वास्तव में बोर होल सिर्फ एक होल न होकर धरती का सबसे गहरा रिसर्च लैब भी है। 12,000 मीटर गहरा ये रिसर्च लैब एक सीक्रेट लैब है जो खुद गवर्नमेंट ने बनवाया है। कर्नल आगे बताते हैं कि लैब में एक पैरासाइट ने लोगों को इन्फेक्ट कर लिया था, जिसके कारण लैब के लोग अजीब सा बिहेव करने लगे थे। पैरासाइट की सारी डिटेल्स लैब के हेड डॉक्टर ग्रिगोरेव के पास थी, लेकिन वो ये सारी जानकारी छिपा रहे थे। अगले 24 घंटे के भीतर लैब पूरी तरह सील होने वाली थी, जिसके पहले आन्या को वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करने थे। कर्नल आन्या को एपिडेमिक की डिस्कवरी का फुल क्रेडिट और उसे एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन ऑफर करते हैं, जिससे आन्या वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। आन्या, कर्नल और कुछ सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर द्वारा मुर्मंस्क में बर्फ से ढकी फैसिलिटी की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पर आन्या की मुलाकात मेजर सैम से होती है। लैंडिंग पर उनके हेलीकॉप्टर के पास नीचे लैब में काम करने वाला एक साइंटिस्ट आता है, जो आदेशों का पालन करने से इनकार कर देता है। उसे कई बार गोली मारी जाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता रहता है। वो एक हैंड ग्रेनेड से विस्फोट कर खुद को मार डालता है, जिससे हेलीकॉप्टर और बाकी लोगों को थोड़ा नुकसान होता है। आगे आन्या होल से रेस्क्यू किए हुए कुछ लोगों का ब्लड टेस्ट करती है, लेकिन उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं मिलता है। इनमें से एक व्यक्ति आन्या को वार्न करता है और कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि नीचे नर्क है। अगले सीन में सब नीचे होल में जाने की तैयारी करते हैं। उनके साथ हेड साइंटिस्ट पीटर भी होते हैं। आन्या, कर्नल, मेजर और पीटर होल में नीचे की तरफ जाते हैं। इससे पहले इनकी मुलाकात लैब के हेड डॉक्टर ग्रिगोरेव से होती है। लैब के दो भाग थे, एक 6,000 मीटर नीचे था, जिसमें लोगों के खाने पीने आदि की व्यवस्था थी, और लैब का दूसरा हिस्सा 12,000 मीटर नीचे था। लैब में दो लिफ्ट थी, एक जो 6,000 मीटर नीचे पहली लैब तक जाती थी, और दूसरी वो जो पहली लैब से 12,000 मीटर नीचे जाती थी। दोनों लिफ्ट की एक्सेस की डॉक्टर ग्रिगोरेव के पास थी। होल में नीचे जाते वक्त डॉक्टर ग्रिगोरेव गारंटी चाहते हैं कि नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन कर्नल ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि मिलिट्री के वहाँ आने का मकसद सिर्फ सैंपल कलेक्ट करना था। डॉक्टर ग्रिगोरेव उन्हें ब्लैकमेल करता है और कहता है कि लिफ्ट का पासकोड सिर्फ उसके पास है और उसके बिना वो लोग फैसिलिटी में ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए नीचे जाने के लिए उन लोगों को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इससे कर्नल ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। नीचे जाते वक्त लिफ्ट में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। डॉक्टर ग्रिगोरेव कुछ बटन्स प्रेस कर गैस रिलीज करता है, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। नीचे पहुंचने पर डॉक्टर ग्रिगोरेव आन्या का बैग लेकर वहां से भाग जाता है। अब डॉक्टर ग्रिगोरेव के बिना ये लोग ना तो नीचे वाली फैसिलिटी में जा सकते थे और ना ही वापस ऊपर, क्योंकि लिफ्ट की एक्सेस की उसी के पास थी। कुछ देर बाद जब सब लोगों को होश आता है, तो उनकी मुलाकात निकोलाय नाम के एक इंजीनियर और केरा नाम की एक डॉक्टर से होती है। ये लोग डॉक्टर ग्रिगोरेव का वेट कर रहे थे कि वो लिफ्ट भेजे तो ये सब ऊपर जा सके। इधर मिलिट्री डॉक्टर ग्रिगोरेव को खोजती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। आन्या लैब में कीरा और इंजीनियर निकोलाय का टेस्ट करती है, पर उनमें इन्फेक्शन के कोई लक्षण नहीं दिखते। तभी आन्या को डॉक्टर ग्रिगोरेव नजर आते हैं, जो उसे सबको लेकर वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो आन्या से कहता है कि वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन आन्या सोल्जर्स को बुला लेती है और डॉक्टर ग्रिगोरेव लिफ्ट का उपयोग कर नीचे भाग जाता है।
अब सारे लोगों को लिफ्ट की चाबी चाहिए थी, जिसके लिए उन्हें डॉक्टर ग्रिगोरेव को खोजना था। इंजीनियर उन्हें बताता है कि नीचे जाने का एक और रास्ता है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिससे उन्हें सेफ्टी सूट पहन कर जाना होगा। कुछ सोल्जर्स प्रोटेक्टिव सूट पहनकर नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी ओल्गा नामक एक लैब असिस्टेंट वहाँ नीचे से पहुँचती है। ओल्गा बुखार के लक्षण दिखाती है और कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है। डॉक्टर कीरा और आन्या ओल्गा को देखने जाते हैं। ओल्गा की पूरी पीठ मोल्ड से ढकी हुई थी, दरअसल ओल्गा इन्फेक्टेड थी। आन्या ओल्गा का सैंपल लेती है और टेस्ट करती है। कुछ देर बाद ओल्गा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो कांच तोड़कर अपने रूम से बाहर आती है और डॉक्टर कीरा पर अटैक करती है। डॉक्टर ग्रिगोरेव इंटरकॉम पर अनाउंस करते हैं कि चूंकि वो शाफ्ट के माध्यम से सतह पर नहीं निकले, इसीलिए उनके पास फैसिलिटी के भीतर उन सभी को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। फिर डॉक्टर ग्रिगोरेव एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे फैसिलिटी एक घंटे में पूरी तरह ध्वस्त हो जाने वाली थी। मेडलैब में लौटने पर आन्या और मेजर देखते हैं कि ओल्गा मोल्ड से ढकी हुई है और पिघलकर फर्श से जा चिपकी है। कीरा की हालत भी ओल्गा जैसी थी और वो भी पिघल चुकी थी। आन्या सैंपल लेने आगे बढ़ती है और मेजर भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तभी ओल्गा के शरीर से एक इन्फेक्टेड गैस रिलीज होती है और मेजर पर अटैक करती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह आन्या को बचा लेता है। आन्या को एक मास्क मिलता है, जिसे वो खुद को इन्फेक्ट होने से बचाने के लिए पहन लेती है। मेडलैब के बाहर खड़ा इंजीनियर निकोलाई फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग कर उसे डिसइन्फेक्ट करता है। मेजर को मेडलैब से बाहर निकाल लैब का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। आन्या को पता चलता है कि ठंड के संपर्क में आने पर मोल्ड मर जाता है। आन्या कर्नल के साथ बात करती है और बताती है कि मोल्ड ठंड की स्थिति में जीवित नहीं रह सकता है। मोल्ड के जीवित रहने की एकमात्र जगह एक होस्ट का गर्म शरीर है, लेकिन अगर होस्ट ठंडे वातावरण में मर जाता है तो मोल्ड भी मर जाता है। यदि ये पैरासाइट धरती पर पहुंच गया तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। अब सारे सैंपल्स लेकर इन लोगों को ऊपर जाना था, तभी उन्हें नीचे गए हुए सोल्जर्स की टीम से वॉकी टॉकी पर मैसेज मिलता है कि नीचे लेवल के शाफ्ट का दरवाजा नहीं खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन पीटर कहता है कि यदि उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो सब वही मर जाएंगे। दरवाजा खोलकर सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक सोल्जर इनके सामने आता है। ये वो सोल्जर था जो पहली टीम के साथ नीचे गया था। इसका एक हाथ पूरी तरह कटा हुआ था और ये सबके सामने गला काट कर सुसाइड कर लेता है। दरवाजे के पीछे से भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कोई पीछे से उस बेहद मजबूत दरवाजे को तोड़ने वाला था। सभी लोग वहाँ से भागते हैं। निकोलाई सबसे कहता है कि वो लिफ्ट को ऊपर तो नहीं ले जा सकता, पर उसके ब्रेक फेल कर उसे नीचे ले जा सकता है। मेजर इन्फेक्ट होने के कारण वहीं रह जाता है और सबसे कहता है कि बाकी सब उसे छोड़कर चले जाएं। बाकी लोग नीचे पहुंचकर डॉक्टर ग्रिगोरेव से लिफ्ट की एक्सेस की हासिल करने का प्लान बनाते हैं। आन्या, इंजीनियर पीटर और कर्नल निचले लेवल तक सेफली पहुंच जाते हैं। नीचे उन्हें एक रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें डॉक्टर ग्रिगोरेव ने मोल्ड के बारे में सब रिकॉर्ड कर रखा था। रिकॉर्डर सुनने पर सब समझ जाते हैं कि डॉक्टर ग्रिगोरेव पागल हो चुका था। अब उन लोगों को अपने सामने मरे हुए मोल्ड की एक दीवार दिखती है। ये मोल्ड ठंड से मारा गया था। कर्नल 200 डिग्री वाले वातावरण में जाने का फैसला लेता है, ताकि लिफ्ट की चाबी को डॉक्टर ग्रिगोरेव से ली जा सके। कर्नल आन्या से कहता है कि पैरासाइट के बारे में बाहरी दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इधर डॉक्टर ग्रिगोरेव ने प्रोटेक्टिव सूट को तोड़ दिया था, इसीलिए कर्नल को उसके बिना ही गर्म टेम्परेचर में जाना पड़ता है। कुछ देर बाद उन्हें कर्नल वापस आते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तब तक वो इन्फेक्टेड हो चुके थे और अपनी टीम तक वापस पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं। तब पीटर आन्या को जबरदस्ती 200 डिग्री वाले टेम्परेचर में लिफ्ट की एक्सेस की लाने भेज देता है। आन्या किसी तरह उस गर्म एनवायरनमेंट में कर्नल की बॉडी तक पहुंचती है और उनसे चाबी लेती है। आन्या भागते हुए अंदर आती है। वो अब तक काफी जल चुकी थी और उसकी स्किन पूरी लाल हो चुकी थी,
लौटने पर पीटर बंदूक की नोक पर आन्या को चाबी देने के लिए मजबूर करता है ताकि वो धरती पर लौट सके और पैरासाइट की खोज का सारा क्रेडिट ले सके। इधर पीटर इंजीनियर के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देता है और आन्या को भी मारने ही वाला होता है कि तभी पीटर पर एक बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है। ये क्रिएचर उन इन्फेक्टेड होस्ट की बॉडी से बना होता है जो सब पिघल गए थे। क्रिएचर पीटर को मार डालता है और पीटर की बॉडी उस क्रिएचर से जा चिपकती है। आन्या वहाँ से भाग जाती है और अपनी बॉडी पर बहुत ठंडा पानी डालती है ताकि क्रिएचर को उसकी बॉडी हीट से उसके बारे में पता ना चले। आन्या बड़ी मुश्किल से पीटर की बॉडी से लिफ्ट की चाबी लेती है। आन्या निकोलाई को ढूंढती है और उसे लेकर लिफ्ट में घुसती है। क्रिएचर इन पर हमला करता है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों बच जाते हैं। अब ये लोग एक्सिस की मदद से लिफ्ट शुरू करते हैं और लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ती है। तभी इनकी नज़र लिफ्ट के फर्श पर पड़े मेजर पर पड़ती है जो अब तक बुरी तरह इन्फेक्ट हो चुका था। मेजर के शरीर से गैस रिलीज हो रही थी जिससे पूरा एनवायरनमेंट इन्फेक्ट होने लगा था। आन्या लिफ्ट को रोक देती है क्योंकि यदि लिफ्ट ऊपर धरती तक पहुंच जाती तो धरती पर लोग मोल्ड से इन्फेक्ट हो जाते और पैरासाइट पूरी इंसानियत को मिटा देता। लेकिन निकोलाई कहता है कि वो उसी लिफ्ट में इन्फेक्ट होकर नहीं मरना चाहता और वो लिफ्ट चालू कर देता है। निकोलाई और आन्या में लिफ्ट के कंट्रोल को लेकर हाथापाई होने लगती है और जब निकोलाई आन्या को मारने वाला होता है उसी समय मेजर निकोलाई को मार डालता है। आन्या एक बार फिर लिफ्ट को रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक आन्या खुद इन्फेक्ट हो चुकी थी और लिफ्ट ऊपर सतह तक पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते ही आन्या को रेस्क्यूअर्स की एक टीम उठाकर ले जाती है लेकिन इससे पहले आन्या लिफ्ट को क्रैश करने के लिए गलत पासवर्ड डाल देती है जिससे लिफ्ट वापस तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। आन्या को सोल्जर्स एक वैन में फैसिलिटी से दूर ले जा रहे होते हैं कि तभी वो एक सैनिक से हैंड ग्रेनेड चुरा लेती है और ब्लास्ट कर खुद की जान दे देती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।